डदी जवानी तेरा गोरा गोरा रंगनी गोरा गोरा रंग करे मुंडे यानु तांगनी शरी लेरु बरी शरी मालेरु बूपे शरी गात फैरी शरी बीखया बैक टू माई चैनल डेंटिस स्टोरी हम सबको पता है की सर्दियों ने दस तक दे दी है विंटरस आर ऑलरेडी हेयर और मैंने किया है विंटर की शॉपिंग एमेजॉन से जो की मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ इसको आप छोटा सा विंटर हॉल समझ लीजिए या फिर आप विंटर एसेंशियल समझ लीजिए फॉर योर हेयर फॉर योर स्किन फॉर योर बॉडी फॉर योर फैशन एवरीथिंग मतलब मैंने इसमें सब कुछ कवर किया तो देखते ये वीडियो एंड तक चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो so, एक बात पे तो आपको मेरे साथ अगली करना होगा कि Amazon हम लोग के जीवन का एक हिस्सा बन गया है, है ना गाइस चाहे वो फैशन रिलेटेड हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या घर में किचन अप्लाइंसेज हो या फिर छोटे से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज खरीदने का मन हो तो हम जाके फोन में सबसे पहले अमेजोन खोलते हैं डू यू अग्री विथ मी इस बात के लिए बहुत सारे लोग अग्री करेंगे क्योंकि मेरा भी फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन अमेजॉन वेबसाइट ही है अमेजोन ऐप ही है क्योंकि अमेजॉन पे मिलता है लार्ज वैरायटी ऑफ आइटम्स मतलब इतनी वेराइटीज है वहां पर कि आप खो जाएंगे उसमें इट्स लाइक अमेजॉन जंगल कि आप वहां पे खो जाएंगे इतना ज्यादा लार्ज वेरायटीज हैं सबसे तो मस्त बात यह है कि बहुत जल्दी ये लोग शिपिंग कर देते हैं बहुत जल्दी डिलीवर कर देते हैं आपके प्रोडक्ट्स को साथ ही साथ ग्रेट ऑफर्स मिलता है तो गाइज मैंने भी चूज किया है अमेजॉन को इस बार अपने विंटर्स के लिए शॉपिंग करने के लिए चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है विंटर्स के लिए अमेजॉन से जैसे ही विंटर्स आते हैं हमारे लिए ड्राई स्किन लेकर आते हैं चार्प लेकर आते हैं और मुरझी मुरझी हुई सी स्किन हो जाती है चेहरे की नहीं हाथ पैर की भी मॉइस्चराइजर तब बहुत ज्यादा जरूरत होता है और नॉर्मल मॉइस्चराइजर तब काम ही नहीं करता है तो आपको जरूरत होती है बॉडी बटर की ऐसा एक बॉडी बटर ब्रांड चाहिए था जो कि नेचुरल है ऑर्गेनिक है तो मैंने चूज किया है प्लम का प्लम का बॉडी लविंग बॉडी बटर मैंने यहाँ पे लिया है जो कि वनीला फ्लेवर में है वनीला वाइब्स में है बहुत ही अच्छा टेक्सचर है और स्मेल तो अमेजिंग अमेजिंग मतलब मुझे ना वो कोको चॉकलेट फ्लेवर ये सब फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते स्ट्रॉबेरी ऑरेंज ये सब इसलिए मैंने वनीला फ्लेवर लिया है तो क्या वनीला फ्लेवर में वनीला फ्लेवर में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल नहीं होता है हल्की हल्की स्मेल आ रही होती है ये देखिए आप कितना थिक बॉडी बटर है ऐसा ही बॉडी बटर चाहिए होता है विंटर्स में क्योंकि पैर फट जाते हैं एरिया फट जाती तो अगर एक अगर ऐसा कोई बॉडी बटर अपने पास है देखिएगा इस कितना मस्त इसका टेक्स्चर है देखिए तो फिर आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि कोहनी पे अपने हाथों में अपने पैरों में अपने पेट पे अगर स्ट्रेच मार्क्स हैं तो उसके लिए बॉडी बटर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस एडियाँ फटती हैं जिसकी वो इसी वजह से कि अपन बॉडी बटर यूज़ नहीं करता है जो लोग विंटर में उन लोगों की एरियाँ फट जाती हैं अब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट गाइस सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ये और मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी ने इसके बारे में ज़्यादा सुना भी होगा या फिर जानते भी होंगे आप इसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ गाइस इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है ये है शॉस्कॉर्फ का बोना uh, क्योर का हाइड्रियोरोनिक मॉइस्चर कंडीशनर यस ये है बालों के लिए अपने हेयर के लिए एक्चुअली क्या होता है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जब हो जाती है विंटर में हवा चलती है ड्राई तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और मैं कुछ दिन से बहुत ड्राइनेस फेस कर रही थी आफ्टर करेटिन ट्रीटमेंट पता नहीं क्यों करैटिन ट्रीटमेंट के बाद तो अच्छे होने चाहिए हेयर बट मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे साथ ही साथ विंटर्स में मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं शैम्पू के दूसरे दिन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हेयर और फिर थर्ड Day या तो तो हम धो ही लेते हैं तो ये उन दिनों के लिए जब आपने नहीं किया हुआ विंटर में और आपको लग रहा है कि आपके हेयर बहुत ड्राई लग रहे हैं और कैप वगैरह जब अपन पहनते हैं वूलन कैप या ढकते हैं अपने बालों को शॉल से कैप से तो और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो गाइज इसको आ, यूज करना बहुत आसान है इसको आप ऐसे ऐसे शेक करेंगे और इस तरीके से स्प्रे करेंगे स्मेलली बहुत प्यारी स्मेल है, है। थे। 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 तो बहुत अच्छा है बस इसको फिर आप ऐसे कर लेंगे ये कंडीशनर एक्चुअली हायरलोनिक एसिड में प्रेजेंट है और बहुत सॉफ्ट बना देता है हेयर को एकदम से तो गाइज़ ये वाला प्रोडक्ट आप जरूर ट्राई करें ये मेरी तरफ से स्पेशल रिकमेंडेशन रहेगा आप लोगों को इसका प्राइस आई थिंक थाउजेंड मार्केट में बट ये एट हंड्रेड समथिंग का मिल गया मुझे एट ट्वेंटी फाइव ऐसा कुछ मिल गया था अमेजन पे तो मैं लगा दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप लोग चेकआउट कर सकते हैं सर्दियों में स्किन फटी है तो लिप्स भी फटते हैं लिप्स के लिए अलग से हम लोगों को uh, केयर लेना पड़ता है तो मैं प्रिफर करती हूँ कि पहले आप लिप स्क्रब कर लें उसके बाद आप लिप बाम बनाए लिप्स के लिए मैंने लिया है नामिया नेचुरल स्किन केयर्स का लिप स्क्रब इस तरीके से है यस yes, मैं भी पहले शुरुआत में देख के इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी बट एक्चुअली इसके अंदर ये होना चाहिए था बट ये ऐसा है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और ये जेली बेस्ड लिप स्क्रब है गाइस तो अगर आप इसको लगा के उंगली से थोड़ा सा रब करके और वेट वाइप से पोंछ लें या गीले कपड़े से पोंछ पोंछ लें और उसके बाद आप लिप बाम अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे जेली बेस्ड जो लिप स्क्रब है तो इससे क्या होता है ना एक्चुअली लिप स्क्रब करते करते ना आपकी स्क्रबिंग भी हो जाती है साथ ही साथ ये मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है लिप्स को फिर गाइज मैंने लिया है अमेजोन से हिमालय का स्ट्रेस रिलीफ मसाज ऑयल क्योंकि वैसे ही मुझे मसाज करना बहुत ज्यादा पसंद है बॉडी मसाज लेकिन सर्दियों में ये बहुत ज्यादा नीड हो जाता है एक्चुअली सर्दियों में इतने ज्यादा यू you नो know, ड्राइनेस आ जाती है हाथ पर फटने लगते हैं दर्द करने लगता है बॉडी एक होने लगता है तो इसीलिए मैंने ये लिया इसमें है अश्वगंधा मैंने पहले भी यूज किया हुआ है हिमालय का विंटर चेरी वाला तो ये है वन थर्टी का बट मुझे हंड्रेड रुपीज में पड़ा ये और इसके अंदर था कि आपको दो बॉटल लेना था एक बॉटल नहीं था तो मैंने दो बॉटल्स की ली हैं और अब गाइज मैंने कुछ खरीदा है अपने लिए फॉर विंटर होडी और स्वेट एंड जीन्स और बूट्स तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया तो गाइज सबसे पहले मैंने लिया है एक स्वेटशर्ट अपने लिए विंटर्स के लिए ये है वो स्वेटशर्ट अडो ना आप देख पा रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा सा कलर है ये और मरून रेड uh, मतलब तो मरूनिश है ये रेड नहीं है ये रेड आपको लग रहा होगा रेड है ये uh, कैमरा में बट ये मरून है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवर और ये एम्ब्रॉयड्रीड है ये प्रिंट नहीं है ये पूरा ऐसे यू नो एम्ब्रॉयड्री से लिखा है फॉर एवर एंड देन इस तरीके से इसकी स्लीव्स हैं और अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा अंदर में वूलन है ये देखिए आप इसको बहुत अच्छा वुलन कपड़ा है जो मतलब सर्दी एकदम कड़ाके की जो ठंड पड़ती है ना उस टाइम के लिए बेस्ट है इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसमें एक साइज बड़ा लेना है तो एल अगर पहनते हैं आप तो एक्सेल लीजिए अगर आप एम पहनते हैं तो एल लीजिए मैं एल पहनती हूँ तो मैंने इसको एक्सेल लिया है क्योंकि उसमें लिखा था तो गाइज ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और बहुत अच्छा लग रहा है जींस के ऊपर स्टाइल करने में सेकेंड मैंने जो स्वेट हुडी लिया है वो ये है तो मैंने सोचा एक तो स्वेट लिया है तो एक हुडी जरूर लू और ग्रीन कलर तो अभी बहुत ज्यादा फैशन में है तो गैस ये एक सिंपल सॉलिड प्लेन हुडी है ये इस तरीके से बट कलर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया मतलब मैं फ़िदा गई कलर पे एकदम और इसके अंदर में बहुत अच्छा देखिए बिल्कुल वूलन वूलन जो होता है ना एकदम जो भयंकर वाली कड़ाके की ठंड पड़ती है तब अगर आपको नहीं जैकेट्स वगैरह पहनना तो आप ये एक होटी डाल के जीन्स के ऊपर बूट्स डाल के एंड यर गुड टू गो तो गाइज़ इसका प्राइस एक्चुअली यहाँ पर मैंशन है टू थाउजेंड रुपीज़ बट ये ऑफर में सेवन नाइन्टी नाइन या सेवन सिक्स सेवेंटी मतलब सेवन हंड्रेड आई थिंक कुछ था और ये जो और ये जो मरून वाला हुडी है ये मुझे ट्वेल्व नाइन्टी नाइन इसमें है बट ये फाइव फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव हंड्रेड फिफ्टी ऐसा कुछ था तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसके बाद गाइज़ मैंने एक जीन्स ली है अमेज़न से जो कि ए के ए चिक ब्रांड है आ, ये कुछ बहुत ज़्यादा रिनाउंड ब्रांड नहीं है बट गाइज जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आ, बहुत स्ट्रेचेबल है सॉफ्ट है पहनने में ऐसा नहीं है कि टाइट एकदम ऐसा वाला डेनिम हो बहुत सॉफ्ट डेनिम है स्ट्रेचेबल है कंफर्टेबल इज़ यू नो कंफर्टेबल में मैं टेन आउट ऑफ टेन दूंगी उसको और ये इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है टू वन नाइन नाइन इस पर लिखा हुआ बट ये मुझे सेवन हंड्रेड का आई थिंक पड़ा था ये जीन्स और और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये जो कलर है ना ये वाला कलर मुझे चाहिए था तो मैंने और ब्रांडेड में भी ट्राई किया था ये कलर बिल्कुल लाइट यू you नो know, कलर जैसे कि डार्क हुडीज़ या डार्क जैकेट्स पहनने में बहुत अच्छा लगे ब्लैक बूट्स के साथ ये बहुत अच्छा लगता है मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अमेज़ॉन पे आपको इतना अच्छा फैशन कलेक्शन मिलेगा वो भी आ, मतलब नॉन ब्रांडेड मैं इसको नहीं बोलूंगी मैं इसको बोलूंगी कि हाँ इंडियन ब्रांड्स मैं इसको बोलूंगी एक्चुअली क्योंकि इंडिया में बनते हैं इंडियन ब्रांड्स हैं और बाकी जो होते हैं जो अपन बोलते हैं सो कॉल्ड ब्रांडेड वो होते हैं बाहर के ब्रांड तो ब्रांड दोनों ही हैं बट यार ये इंडिया में बनते हैं तो गाइज मुझे बहुत पसंद आई ये जीन्स इट इज़ जस्ट अमेजिंग उसके बाद मैंने खरीदे हैं बूट्स जो कि है मतलब वाओ जस्ट वाओ है जो तो कि बताती हूँ कलाउरा मेलबॉर्न ऐसा कुछ है इसका तो गैस मैंने पहले जो बूट्स पहने हुए हैं मैंने मेट्रो के पहने हुए हैं बूट्स मैंने इंच फाइव के पहने हुए हैं मैंने और भी दो तीन ब्रांड्स के पहने खादिम्स के पहने हुए हैं बट दीज आर ऑसम बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं ये भी मैं बोलूंगी छोटा ही ब्रांड है तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए बूट्स ये देखिए इस तरीके के हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के तो एक्चुअली क्या होता है ब्लैक हर एक ड्रेस uh, पे आपके चला जाता है जीन्स पे ड्रेसेस पे हर चीज़ पे तो मुझे ऐसे वाले चाहिए थे सामने में फीते और ये ट्रू टू साइज है जो आपका साइज है वही आप लीजिएगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है फोर्टी मुझे थर्टी नाइन फोर्टी आता है तो मैंने फोर्टी लिया क्योंकि बूट्स में थोड़ा अगर अपन सॉक्स वगैरह पहनते हैं ना तो फिर आप मुझे एक मतलब मुझे फोर्टी सही रहता है तो मैं एक आप मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी आप एक साइज बढ़ा लो बट या मैं सॉक्स पहनती हूँ तो मुझे फोर्टी चाहिए रहता है सर्दियों में तुम देख सकते हैं आप स्यूड लेदर में है ये लेदर नहीं है स्यूड लेदर नहीं होता जो वैसा वाला कपड़ा उस तरीके के बूट्स हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं बहुत स्टाइलिश हैं मैंने इसको स्टाइल किया है जीन्स हुडी और बूट्स को फॉर विंटर फैशन यू नो स्टेटमेंट के तरीके से तो गाइज चेकआउट कर सकते हैं आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी दीज वर सेवन हंड्रेड या एट हंड्रेड ऐसा कुछ था इनका तो गाइज दिस इज वॉट आई बॉट फ्रॉम एमेजॉन फॉर विंटर मेरा विंटर हॉल यहीं पे खत्म होता है लिप्स पे मैंने लगा रखा है फेसेस कैनेडा का अल्टीमो प्रो एच डी लिपस्टिक इलेवन नंबर है इसका शेड का फेसिस कैनेडा का एंड दिस इज़ लाइक दिस स्टिक है ये क्रीमी मैट है ये जब लगाते हैं तो क्रीमी रहता है बाद में ये मैट हो जाता है बट या ये स्मच होता है इट इज़ नॉट स्मच प्रूफ तो ये वाला है लिप शेड मेरे लिप्स पे इन केस इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू नो सो गाइज दैट इट फॉर टू वीडियो इतने ही आज की वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए बहुत सारे प्यार दीजिए मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए